हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, आप देख रहे हैं HG और इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं और आपके CUET एडमिट कार्ड पर कोई भी गड़बड़ी हो गई है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया हो या कुछ अदर प्रॉब्लम हो गई हो जिसे आप सुधार करना चाहते हैं बट आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया है, तो अब क्या कर सकते हैं, कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का चेंज हो गया था तो लोग कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स की जगह हिंदी हो गया है, हिंदी की जगह फिजिक्स हो गया या लॉन्गेस्ट टेस्ट वगैरह, बहुत कुछ चेंज हो गया था तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ चुकी थी। लेकिन इसीलिए एक गुड न्यूज़ आ गई है फ्रेंड्स, अब आप लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक नोटिस जहाँ पर जारी किया गया है आज ही 19 जुलाई को, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 19 जुलाई परीक्षा को लेकर पब्लिक नोटिस जारी है। और थोड़ा हम यहाँ पे जूम करते हैं, जूम करने बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सुधार करना है तो करेक्शन विंडो 20 से 22 जुलाई तक खुलेगी। NTA द्वारा करीब 64 यूनिवर्सिटी PG कोर्सेज में एडमिशन की इंटरेस्ट फॉर्म मतलब फिल किया जाएगा, तो आप यहाँ से 20 से लेकर 22 जुलाई के बीच में फ्रेंड्स मतलब 2 दिन का समय, आप लोग अपना जल्दी से चेंज कर लीजिए, अपना जो भी गड़बड़ी हुई हो आप उसे अपना बदल कर अपना सब्जेक्ट वगैरह सबको देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का फ्रेंड्स हिंदी हो गया था तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी फ्रेंड्स कि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मांगा है, लेकिन जब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी रहेगा तो आपको वहाँ से छाँट दिया जाएगा। इसलिए इससे पहले आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए और आप लोग जल्दी से जल्दी जाके उसे चेंज कर लीजिए क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है, तो ज़्यादा देर ना कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी ज़रूरी जानकारी, जिसका भी चेंज करवाना है या अपने फ्रेंड्स वगैरह के हैं को भी ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि करेक्शन विंडो ओपन हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं चलेगा और ये डेट आकर चली भी जाएगी। तो इसलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।